नमस्कार मित्रों, मैं गौरी शंकर चौधरी केंद्रीय विद्यालय नारंगी का संस्कृत शिक्षक हूँ। आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि आज जो यह वैश्विक महामारी फैली हुई है, इसमें हम सभी को मिलकर मुकाबला करना है, इस जंग को जीतना है। मुझे विश्वास है कि हम सभी हिंदुस्तान के लोग जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं, हम केवल अपने निजी स्वार्थ की बात नहीं सोचते हैं, पूरी दुनिया में अपनी ताकत लगा देंगे इस महामारी को जीतने के लिए। हमने देखा है बंगाल के अकाल को, भूज के भूकंप को, और हमने आज देखा है गैस जो लीकेज हुआ था उसके भी, और उस पर हमने विजय प्राप्त किया है। और आज यह जो महामारी फैला हुआ है, ये संक्रामक बीमारी, इसको हम फैलने से रोकेंगे और इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक भारतीय होने के कारण मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी सुरक्षा करें, परिवार की सुरक्षा करें। और जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो संदेश दिया है और उनकी जो टीम ने काम किया है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। जैसे डॉक्टर, वॉरियर्स, केंद्रीय विद्यालय के सभी टीचर जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उन सभी को साथ में लेके चलना है और उनके संदेश को सुनना है और समझना है। हाथ को हमेशा आप लिक्विड से, डिटॉल से, साबुन से हमेशा धोते रहिए। अपने हाथ को नाक के पास, मुंह के पास नहीं ले जाना है। आप घर से बाहर निकलिए नहीं मत। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में 9 माह रह सकता है, तो क्या आप लॉकडाउन 3 पूरा कर लिए, 4 भी पूरा कीजिए? और इस तरह से छटपटाता हुआ यह बीमारी कोरोना जो है, रोता हुआ इस देश से, इस भूमंडल से भाग खड़ा होगा। और हम भारत के लोग कारगिल से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग इस तिरंगा को लहराएंगे और पुनः सामुदायिक